नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां सीएम धामी के आज कई सारे कार्यक्रम हैं। आपको बता दें, मुख्यमंत्री द्वितीय पुस्तक मेले में शामिल होंगे, उसका शुभारंभ करेंगे और इसके अलावा कई सारे कार्यक्रम हैं और आज कैबिनेट की बैठक भी होगी। बैठक में कई प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है, कई अहम प्रस्तावों पर मुहर भी लगेगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, सीएम धामी के कई सारे कार्यक्रम हैं। आज द्वितीय पुस्तक मेले का शुभारंभ करेंगे, जनकपुर में जो कार्यक्रम आयोजित होगा उसमें शामिल होंगे। सोनू सिंह हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ चुके हैं, हमारे साथ ज्यादा जानकारी लेंगे। सोनू, आज मुख्यमंत्री के क्या कुछ कार्यक्रम है, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी? देखिए, मुख्यमंत्री इस वक्त चंपावत में जो पुस्तक मेला आयोजित हो रहा है, दूसरा ये मेला है, इसमें बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने के लिए पहुंचने वाले हैं और इसका शुभारंभ करेंगे। कहीं ना कहीं सरकार जो है वो साहित्य को और शोध पर फोकस कर रही है और इसी परिप्रेक्ष्य में हम इस मेले के शुभारंभ को देखते हैं, क्योंकि जब इस तरीके के मेले आयोजित किए जाते हैं तो उनसे संदेश देने की कोशिश की जाती है। इसके अलावा कई ऐसे कार्यक्रम हैं जिनमें मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। इसके बाद अगर मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों की बात करें तो उत्तराखंड को, देवभूमि को कैसे नशा मुक्त किया जा सकता है, इसका संकल्प सरकार ने लिया हुआ है। 2025 तक उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाना है, इसी को लेकर के सरकार लगातार फोकस कर रही है और आज जो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में है एक बैठक होनी है, किस तरह से नशाखोरी पर नियंत्रण हो सकता है और जो NCORD की राज्य स्तरीय समिति है उसकी आज बैठक होगी। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कैसे जो नशा तस्कर हैं, नशे का कारोबार करने वाले हैं, युवा पीढ़ी जो नशे की लत में डूबती नजर आ रही है, इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। जो सरकार ने जो लक्ष्य निर्धारित किया है, पुलिस विभाग और संबंधित विभाग के अधिकारी इसको तय समय सीमा में कैसे पूरा करेंगे, और इसके साथ साथ जो एक महत्वपूर्ण बैठक आज और होनी है मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, वो कैबिनेट की बैठक है। कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा होगी और चर्चा के दौरान जब प्रस्तावों पर चर्चा होगी तो उसके बाद कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। बिल्कुल, और कई सारे ऐसे प्रस्ताव हैं जिन पर आज मुहर लग सकती है, जिनको लेकर चर्चाएं भी हो रही है कि उनकी आज मंजूरी हो सकती है। अब देखने ये वाली बात होगी कि बैठक के बाद क्या कुछ बातें सामने निकल कर आती है और किन प्रस्तावों पर मुहर लगती है। बने रहिए हमारे साथ सोनू, जल्दी आपका रुख करेंगे। तो दर्शकों को बता दें कि खबर आपको बताई देहरादून से, जहां आज कई सारे कार्यक्रम हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के और आज कैबिनेट की बैठक भी होनी है।